बिहार चुनाव में बीते दिन दूसरे चरण के लिए वोट पड़ गए। राजनीतिक दल और नेता अब तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यह बिहार चुनाव का अंतिम चरण है और इसमें एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतरे लोजपा के 41 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 35 सीटें मिली हैं। इन सीटों पर चिराग ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। लोजपा के अन्य प्रत्याशियों में 4 वीआईपी, 1 भाजपा और 1 हम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में चिराग पासवान भाजपा के पक्ष और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल दलों के खिलाफ मैदान में उतरी लोजपा का इन सीटों पर कैसा प्रदर्शन रहता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। चिराग पासवान लगातार ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इस चरण में एक सीट पर भाजपा के खिलाफ भी लोजपा मैदान में। हालांकि लोजपा इसे दोस्ताना लड़ाई कह रही है। तीसरे चरण में लोजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे कई प्रत्याशी भाजपा के बागी हैं। इसमें लोकहा से प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, सुगौली से विजय प्रसाद गुप्ता, कदवा से चंद्रभूषण ठाकुर, रानीगंज से परमानंद ऋषिदेव, अररिया से चंद्रशेखर सिंह बमन। लोजपा ने बिहार चुनाव में कुल 136 प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से 2 मखदुमपुर और फुलवाड़ी पर उनका नामांकन रद्द हो गया। अब कुल उनके पास 134 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 93 का भाग ईवीएम में कैद हो चुका है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।